तो नेक्स्ट फिनमिना को डिस्कस करते हैं दैट इज अबाउट स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स अब ये एक्सचेंज रेट के अंदर ही आपके पास दो फॉर्म के अंदर रेट्स की डिटर्मिनेशन होती है वन इज स्पॉट रेट एंड अदर वन इज फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट प्राइमरीली आपके पास जब इंटरनेशनल डीलिंग्स होती हैं करेंसी की सेल एंड परचेज की तो एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम के अंदर Uh, एक बहुत लिमिटेड टाइम दिया जाता है नॉर्मली अप टू द मैक्सिमम टू डेज़ कि जब आपकी ट्रांज़ेक्शन्स हो जाती हैं इसी वजह से uh, जब आपके पास टू बिज़नेस डेज से मुराद ये है कि उसमें जो नॉर्मली वन वीक हॉलीडे होती है नॉर्मली संडे को उसको एक्सक्लूड किया जाता है और इवन जहाँ पे सैटरडे ऑफ है वहाँ पे उसको भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है तो बिज़नेस डेज़ के दो दिन के अंदर जो ट्रांज़ेक्शन होती हैं जो रेट डिटामिन होते हैं करेंसी एक्सचेंज के दीज आर नोन एज स्पॉट रेट्स अब आ, दो दिन की भी ख़ास तौर पे अगर आप इसके बैकग्राउंड में देखें तो नॉर्मली आपकी जो सारी ट्रांजेक्शन होती हैं आजकल थ्रू तो इंटरनेट और ऑनलाइन होती हैं तो उसके इसके अंदर फिर भी आपके पास दो दिन दिए जाते हैं कि जहाँ पे आप आ, जो अपने मोनिटरी अथॉरिटीज़ को हैं वो कम्यूनिकेट कर सकें पोज एक इम्पोर्टर है यहाँ का कोई चीज़ इस तरीके से मंगवाता है फॉर एग्ज़ाम्पल यू से तो उसको एटलीस्ट दो दिन दिए जाते हैं ताकि वो अपनी मॉनेटरी मौन, अथॉरिटीज़ के साथ इन कॉन्टेक्ट रहे और वहाँ पे पेमेंट्स इजीली हो सकें दैट इज़ स्पॉट रेट अब बाज ये होता है कि आपके पास आ, जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑन द स्पॉट नहीं होती या स्पॉट रेट्स के ऊपर नहीं पॉसिबल होती नॉर्मली जो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस में ये होता है कि जो आपके पास पेमेंट्स हैं वो थ्री मंथ्स सिक्स मंथ्स और इवन वन ईयर तक का टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होता है पेमेंट्स को फ्रॉम वन कंट्री और यू कैन से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अब इस स्पेसिफिक पीरियड को अगर आप स्टडी करें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं वैल्यू की आ, आपके पास जैसे हमने पहले डिस्कस किया है प्रीवियस मॉड्यूल्स के अंदर कि जो एक्सचेंज रेट है उसकी डिटर्मिनेशन को अगर आप देखें तो वो डे टू डे थोड़ी सी चेंजेस आती रहती हैं और फिर वो वन सेंट की अगर या इवन वन रुपी या टू रुपीज़ की भी डिफरेंस आए और अगर आप हंड्रेड मिलियंस में बात कर रहे हैं तो ये एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है उस केस के लिए क्या किया जाता है उस केस के लिए आप एक टर्म है जिसको आप फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस के नाम से जानते हैं इसमें आ, एक एग्रीमेंट साइन होता है या एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टीज जिसमें फॉरेन करेंसी की सेल एंड परचेज की बात होती है वहाँ पे आ, एक फ्यूचर डेट कोई नॉर्मली इसको थ्री मंथ्स पे लेके जाया जाता है जैसे मैंने पहले बात की है सिक्स मंथ भी हो सकता है और ये रीशेड्यूल भी हो जाता है इंटरेस्टिंगली और उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में जैसे सपोज़ आज दो पार्टीज़ आपस में आ, एक एग्रीमेंट कर रही हैं फॉर फॉरवर्ड रेट्स तो वो आज बैठ के ये कह सकती हैं जैसे सपोज फ्रॉम वन वन डॉलर टू वन यूरो अभी करंट एक्सचेंज रेट है फर्ज किया और फ्यूचर में वो ये प्रोडक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द मूवमेंट ऑफ द इंटरनेशनल अफेयर्स स्पेसिफिकली कि आपके पास ज्यूम करते हैं कि आपके पास डॉलर जो होगा इन फ्यूचर थ्री मंथ्स के बाद वन पॉइंट वन जीरो डॉलर और वन यूरो के बराबर होगा तो टेन सेंट्स uh, या पॉइंट वन जीरो डॉलर जो है उसकी वैल्यू को या कोई भी एक नंबर ले सकते हैं आप उसको हम ये कह रहे हैं कि वो डिफ्रेंस होगा फ्राम करेंट पॉइंट इन टाइम में तो दो पार्टीज़ आपस में एग्रीमेंट कर लेंगी इस रेट के ऊपर कि आपके पास ये है पॉइंट इन टाइम में ये आपके पास रेट होगा अब रिगार्डलेस ऑफ वर्ड के उस उस टाइम के ऊपर स्पॉट रेट क्या होगा कि एक एग्रीमेंट तय पा जाता है जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिखी गई है फॉर एग्जांपल वन कोड एंटर जो भी एक इंडिविजुअल है या एक बिजनेसमैन है या कोई भी आपके पास एंटिटी uh, है कि वो परचेज़ करेगा हंड्रेड यूरो थ्री मंथ्स फ्रॉम टुडे एट वन पॉइंट ज़ीरो वन डॉलर देके और आपके पास वन जो है वो यूरो ले लेगा अब इस केस के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपके पास एक आ, कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं हुई आपके पास सिंपली एक एग्रीमेंट हुआ है कि तीन माह के बाद ये परचेज़ हो जाएगी और दोनों पार्टीज इस चीज़ पे एग्री की हैं कि थ्री मंथ्स के बाद ये रेट डिटामिन हो जाता है लेकिन यहाँ पे फॉर सिक्योरिटी क्योंकि कुछ ना कुछ तो पीछे बैकअप होना चाहिए या कुछ ना कुछ चीज़ कोई स्ट्रिंग्स अटैच करने के लिए बिटवीन टू पार्टीज देर मस्ट बी सम नंबर के जिसको आप एज अ सिक्योरिटी रख सकें तो नॉर्मली ये आपके पास टेन परसेंट ऑफ द एग्रीमेंट आपके पास एज अ सिक्योरिटी रखा जाता है ताकि इस चीज़ के ऊपर इजीली जो एग्रीमेंट है वो मैच्योर हो सके और एक चीज जो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि आपके पास जो फॉरवर्ड रेट्स हैं वहाँ पे आपके पास करेंसी की एक्सचेंज नहीं होती किसी भी फॉर्म के अंदर जस्ट एक एग्रीमेंट होता है एंड देन ये एक एग्रीमेंट देखा जाएगा और फिर ये भी देखा जाएगा उस पॉइंट इन टाइम के अंदर क्या स्पॉट रेट है उसका कंसर्न नहीं होगा दोनों पार्टीज़ का क्योंकि ये एग्रीमेंट हो गया था तीन माह पहले कि आज की डेट में सपोज़ कि इसका रेट हमने प्रिडिक्ट किया था या हमने जो एग्री किया था डेट वाज 1.01 अगेंस्ट वन यूरो तो अब चाहे स्पॉट रेट सपोज 1.05 भी हो गया है लेकिन एग्रेड अमाउंट के ऊपर ही ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो ये एक मेथड uh, होते हैं एक्सचेंज रेट को ख़ासतौर पर अगर आप देखे जाएँ एक्सचेंज रेट अगर स्पॉट uh, है स्पॉट ट्रेड के हिसाब से आपने ट्रेड करनी है या फॉरवर्ड ट्रेड के हिसाब से आपने ट्रेड करनी है दैट इज़ अप टू द बिजनेस कम्युनिटी एंड जो सेल एंड परचेज आपके पास करेंसीज की फॉर्म में हो रही हैं और इंटरेस्टिंगली आपके पास जो इंटर बैंक जो ट्रांजेक्शन होती हैं मोस्टली वो इसी मैकेनिज्म के थ्रू होती हैं जो बैंक्स आपस में एक दूसरे से करेंसी की ट्रेड करते हैं क्योंकि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने अपनी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करना होता है जो वहाँ के रेजिडेंट जो हैं उनसे रिक्वायर कर रहे होते हैं इन फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी तो एक बड़ा नंबर जो है आपके पास बैंक ट्रांजैक्शंस का वो फॉरवर्ड रेट पर होता है तो इस पर्टिकुलर दो सेगमेंट के अंदर इस दो पर्टिकुलर जो पॉइंट्स हैं रेट्स के अंदर ये डिफरेंस याद रहेगा के वन पॉइंट इन टाइम मैक्सिमम टू डेज बिलोंग्स टू स्पॉट स्पॉट्स एंड देन जब आपके पास ड्यूरेशन होगा नॉर्मली थ्री मंथ सिक्स मंथ एंड इवन वन ईयर वो जिसको रिश्ड्यूलेबल कहेंगे वो आपके पास बनेगा फॉरवर्ड डेट और इसकी यूटिलाइजेशन आगे भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे